जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो अभी अभी हमने जो काव्य सीखा हम करके कुछ दिखलाएंगे, काव्य नंबर 10 हम करके कुछ दिखलाएंगे। वो पूरे माध्यम से, काव्य के माध्यम से हमने सीखा कि बच्चे पूरी लगन से, देश प्रेम से, अपने मन में दृढ़ निश्चय करके और पूरे आत्मविश्वास से देश की रक्षा करना चाहता है, देश में लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये कविता के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद हम जाएंगे उसके अभ्यास में। उसमें अभ्यास में हम सबसे पहले सीखेंगे नए शब्द, जो शब्द हमारे लिए नए हैं उसका अर्थ जानकर हम वो सीखेंगे। शोक, उसका मतलब है रुचि और चाव। अरमान, अभिलाषा, इच्छा, उद्यम, मेहनत, परिश्रम। उम्मीद, आशा, उत्साह, जोश, मातृभूमि, जन्मभूमि, सर्वस्व, अपना सब कुछ। तुन के पक्के सच्ची लगन वाले, मान, आदर, सपूत, सच्चा पुत्र। उसके बाद यहाँ है अभ्यास में श्रुत लेख के शब्द। अरमान, मातृभूमि, अंधेरे, सेवा, उद्यम, सर्वस्व, उम्मीद, पक्के, उत्साह, सच्चे, जगाएंगे और सपूत। ये सभी शब्द हैं श्रुतिलेख के शब्द। उसके बाद हम करेंगे बच्चों नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है जो अभी हमें करने हैं, इसका मतलब है जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं उसका उत्तर हमें मौखिक देना है। हमें एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। क, एक एक कवि किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। ये जो कविता कवि ने अपने मन की बात कही है कविता में, तो वो किसके माध्यम से कही है? है बच्चों के माध्यम से। बच्चे अपनी बात हमें कह रहे हैं, असल में कवि के मन में ये सब भावनाएं आ रही है। क, बच्चे कैसे लोगों को गले लगाना चाहते हैं? तो यहाँ आंसर है गरीब, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको गले लगा से प्रेम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह कविता के अनुसार बच्चों में कौन कौन से गुण है? तो यहाँ आंसर है, उत्तर है देश प्रेम के गुण है, साहस का गुण है, दृढ़ निश्चय है और आत्मविश्वास की भावना है। तो ये जो गुण है वो काव्य के माध्यम से हम जान सकते हैं। क, बच्चे कौन सा दीप जलाना चाहते हैं? तो यहाँ है बच्चे उद्यम मेहनत का दीप जलाना चाहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न 1 उसमें मौखिक और दूसरा है लिखित। लिखित प्रश्न के उत्तर है वो हमें हमारी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर का 1, बच्चे किस में उत्साह जगाने की बात
कर रहे हैं। जो लोग सारी उम्मीद खो चुके हैं तथा अपने जीवन में बिल्कुल हार मानकर बैठ गए हैं, ऐसे लोगों में उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर दो, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? जो भी मातृभूमि की सेवा में रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं, बच्चे उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर तीन, ग उसमें है, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें बच्चों ने जग में नाम कमाने की बात की है। तो यहाँ है, हे शोक यही अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम कहाएंगे। तो यहाँ क्या कहा है कि जो ये दुनिया मरने वाली है मगर हमारा नाम उसमें अमर रहेंगे, ऐसा हम करने वाले है, हमें ऐसा सुख है, ये हमें अरमान है। उसके बाद प्रश्न नंबर चार, बच्चे किसकी सेवा में अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं? तो ये तो सही बात है, बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ सर्वस्व लुटाना चाहते हैं। उसके बाद बच्चों आपको ये जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपको सही शब्दों के सामने सिर्फ सही का निशान लगाना है, एमसीक्यू जैसे प्रश्न है। तो यह प्रश्न नंबर एक है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। कहे बच्चे किसके रखवाले है? तो लक्ष्य के रखवाले है, आसादी के रखवाले है या वीरों के रखवाले हैं? तो यहाँ है, बच्चे आज़ादी के रखवाले हैं, यहाँ हम करेंगे राइट। ख, कविता में कौन आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? तो कविता में बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे कह रहे हैं, ये है आंसर हमारा, बच्चे। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि है, यहाँ है राम नरेश त्रिपाठी, जो थर्ड नंबर है वहाँ सेकेंड नंबर, यहाँ सेकेंड नंबर है, वो है राम नरेश त्रिपाठी, जहाँ हमने किया है सर्कल, वो है आंसर। इसके बाद हम जाएंगे सही उत्तर चुनकर लिखिए, ये हमारा हो गया। उसके बाद है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, जो शब्द सही है उससे हमें क्या करना है, जो खाली जगह है वो भरनी है। तो यहाँ दिया गया है फर्स्ट क, जो लोग देश भिखारी है, तो यहाँ है गरीब, गरीब लोग है उसको हम क्या, उसे बच्चे कहते हैं कि उसको हम आगे ले जाएंगे, उसको हम आगे बढ़ाने के कोशिश करेंगे। तो यहाँ है गरीब, दूसरा है जिन पर न किसकी छाया है, मगर जिस जिन लोगों पर किसका भी हाथ, वो अच्छी वाली जो उसको दे सके जगह वो नहीं है, वो किसी का हाथ नहीं है, किसी की छाया नहीं है, किसी की अच्छी छाया नहीं है, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को हम आगे ले जाएंगे। तो जिन पर न किसी की छाया है, तो आंसर यहाँ रहेगा छाया। जो लोग हार कर बैठे हैं, जिसने अपनी उम्मीद खो दी है, लोगों को ऐसा होता है कि अब हमारा कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसे हार कर बैठे हैं वो लोगों की बात की गई, यहाँ आंसर होगा हार कर। और मार कर बैठे है, तो क्या मार कर बैठे, आगे बढ़ने की उम्मीद, ये जो उम्मीद है वो जो उम्मीद मार कर बैठे हैं, आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमारे लिए बंद है, कोई आशा ही नहीं है, ऐसा मान कर बैठे ये लोगों की बात की गई है। उसके बाद यहाँ भाषा की बात की गई है बच्चों, तो आपको यहाँ एक शब्द हलंत है, दूसरा वही शब्द है वो
पूरा शब्द है, तो ऐसा शब्द यहाँ लिखा है उम्मीद, तो हमें दूसरा वैसा ही शब्द लिखना है, यहाँ है चम्मच, ये म हलंत ये म पूरा। उत्साह, तो यहाँ तो है वो हलंत है, उत्साह स है वो पूरा है, तो यहाँ हमने लिखा वत्स, वत्स इतना पुत्र, शिष्य जो कहलाता है वत्स भी कहते हैं वो। ख पक्का, तो ये क हलंत है ये क पूरा है, पक्का, तो यहाँ हम लिखेंगे मक्का। और स्व, स है वो हलंत है वो है पूरा है, सर्वस्व यहाँ लिखा है स्वाधीन। उसके बाद यहाँ बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों कि यहाँ है विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए, जो शब्द ऑपोजिट है विलोम है उसको हमें मिलाना है, तो यहाँ एक दिया गया है गरीब के साथ अमीर, छाया छाया तो यहाँ आएगा धूप, सुखी तो यहाँ आएगा दुखी, अंधेरा तो उजाला, ऐसा ही यहाँ है अपना तो यहाँ है पराया, हार यहाँ है जीत, सपूत यहाँ है कपूत, वीर तो यहाँ है कायर, ये सभी शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द है, जैसे हमने ऑपोजिट शब्द लिखे ऐसे ही यहाँ है जो शब्द का उनके अर्थों से मिलान कीजिए, शब्दों ये शब्द है उसका अर्थ हमें ढूंढकर उसके सामने लिखना है, तो यहाँ है उम्मीद, उम्मीद का मतलब है आशा, मान, मान का है आदर जो नीचे दिया गया है लास्ट में हो, सपूत, सपूत का है सच्चा पुत्र, शोक, शोक का मतलब है सूची, जहाँ नीचे ये रहा ये यहाँ जाती है रेखा वो। उसके बाद उत्साह, उत्साह का है जोश, अरमान, अरमान का है इच्छा, और उद्यम, उद्यम का है यहाँ मेहनत, तो ये जो शब्द है ये शब्द उसका अर्थ है वो हमें यहाँ समझाया गया है। उसके बाद जो प्रश्न है बच्चों ये हमें देखना है समझना है और उसके मुताबिक हमें नीचे करना है, ये बहुत प्यारा गीत है जो देशभक्ति के लिए है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रस के ए चीना हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। ये जो कविता है वो लिखी गई है मोहम्मद इकबाल के द्वारा देशभक्ति के लिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलिस्ता हमारा, तो ये बहुत अच्छा और प्यारी कविता है, प्यारा गीत है देशभक्ति का, वो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने, तो हमें ये देशभक्ति का जो हमारे पास जो देशभक्ति की कविता है उसके रिलेटेड ही ये है, इसलिए हमें यहाँ दिया गया है। यहाँ हमें बताया गया है कि जो हमने ऊपर जो कविता पढ़ी उसमें क्या है कि गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, है ना, तो इसकी गोदी में खेलती, हिंदुस्तान की गोदी में बहुत सारी नदियाँ खेल रही है बह रही है, तो उनमें से हमें किसी छह नदी के नाम यहाँ लिखने हैं, तो हमने लिखा है गंगा, यमुना, रावी, सतलज, सेलम और चेनाब। वैसे सतलुज नाम असली है मगर हम उसे सतलज कहते हैं, तो ये है हमारी छह नदियाँ जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो भारत में बह रही है, तो उसके हमने नाम लिखे। और अपने देश की कोई चार बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती है,
हमें एक अपने देश की ऐसी चार बातें अच्छी लगती है, वो हमें सोच समझकर अपने हिसाब से लिखनी है। बच्चों, आपके दिल में जो बात आए वो आप लिख सकते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है फिर भी हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ है तो फिर भी हम सभी लोग एक साथ एक समान रह रहे हैं, सभी की भाषाएं अलग अलग है फिर भी हम एकजुट कर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। प्रकृति से भरा, प्रकृति की गोदी में पड़ा हमारा देश बहुत ही सुंदर और अनेकता में एकता की भावना रखने वाला हमारा देश है। ये जो सभी बातें हमने आपने बताई वो आपको उसमें से जो अच्छी लगे और आपके दिल में आपके मन में जो भावना है देशभक्ति के लिए वो आपको यहाँ लिखनी है। आपके चार और पांच सेंटेंस उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो ये हो गए हमारी ये जो कविता है उसका अभ्यास। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।